देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आप देखिएगा आज मार्केट के अंदर जो मनी है करेंसी है, नोट्स आता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले चल जाइए तो करेंसी के नाम पर क्या था? तो फूड ग्रेन था। फूड ग्रेन, फूड ग्रेन कहते हैं कि मेरे पास फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन को लेके गए, या किसी के पास एनिमल था, फूड ग्रेन था, उसको दिया और बदले में कुछ लिया। तो इनिशियली बहुत साल पहले क्या होता था कि लोग बोलते थे ना कि पहले अमीर और गरीब की पहचान जो होती थी ना, आज जैसे कि कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसके बैंक बैलेंस से डिसाइड होता है कि उसके बैंक में कितना बैलेंस है, 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है। लेकिन पहले के जो अमीर आदमी होते थे उनकी पहचान होती थी कि उसके पास कितने जानवर हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो अमीर आदमी होते थे उनके पास 100, 200, 1000 गाय हैं, या 1000 भेड़ हैं, या 1000 बकरियां हैं, 1000 बैल हैं। जितना ज़्यादा जानवर वो समझो उतना अमीर आदमी, या उसके गोदाम में कितना अनाज पड़ा हुआ उससे वो अमीर और गरीब पता चलता था। तो इनिशियली करेंसी का जो फॉर्म था वो फूड ग्रेन और एनिमल था। उस जमाने में आपको मालूम होगा कि बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक सामान दीजिए बदले में एक सामान लीजिए, ठीक है ना, सामान के बदले सामान, जो कि इनिशियली आपको उसमें आप कह सकते हैं डबल कॉइंसिडेंस। लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था, पहले अगर आपके पास फूड ग्रेन है तो आप जाइए मार्केट में और फूड ग्रेन दीजिए बदले में आप सामान लीजिए, या जानवर तो जानवर दीजिए सामान लीजिए। तो बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होता था कि आपको डबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डबल कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हमको चाहिए वो आपके पास, जो आपको चाहिए मेरे पास, तब एक्सचेंज होगा, नहीं तो एक्सचेंज नहीं होगा। बाद में जो राजाएं हुए, बहुत सारे किंग हुए, और उनको भी लगता था कि बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है, मार्केट के अंदर में एक्सचेंज थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए उन्होंने शुरुआत में जो राजा महाराजा थे उन्होंने क्वाइन लाया। आपको पता होगा शुरू में जो क्वाइन आया था गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, इस तरह से प्रीसियस मेटल का क्वाइन आया, और ये राजा महाराजा के ज़माने में, और उस क्वाइन के हेल्प से एक्सचेंज होना शुरू हुआ। आपको कोई सामान चाहिए आप क्वाइन लीजिए बदले में सामान लीजिए, और वो क्वाइन जो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। लेकिन मॉडर्न डे में आपको क्वाइन नज़र नहीं आता, क्वाइन नज़र आता है बट वो प्रीसियस मेटल लग, गोल्ड का क्वाइन तो आज मार्केट में आपको नहीं नज़र आएगा कि गोल्ड का क्वाइन से एक्सचेंज हो रहा है, सिल्वर का क्वाइन से एक्सचेंज हो रहा है। क्वाइन है लेकिन वैसा क्वाइन नहीं है जो पहले चलता था। अब सिंपल सा करेंसी आ गया है, और करेंसी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही, आप करेंसी को लेते हैं मार्केट में जाते हैं और बदले में आप जो भी सामान है वो खरीद के लाते हैं। क्या आपको पता हो कि ये जो करेंसी होता है वो कौन इशू करता है इंडिया में? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ऑथराइज सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, सिर्फ RBI ही है जो करेंसी को इशू कर सकता है। उसके अलावा थ्रू आउट द इंडिया में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पावर नहीं है कि वो करेंसी को इशू कर सके, और वो अपने हिसाब से करेंसी इशू करता है। जो नोट आते हैं मार्केट में देखिए होगा ना, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का बंद हो गया, 2000 का आ गया, तो ये जो करेंसी इशू होता है वो RBI के थ्रू ही इशू होता है, और उस पर गवर्नर का साइन होता है। इंडियन करेंसी का एक ये रूल है कि अगर आपके पास इंडियन करेंसी है तो थ्रू आउट द इंडिया आप उसके हेल्प से कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी। आपके पास एक इंडियन करेंसी है और आप इंडिया के अंदर हैं तो आप दिमाग में टेंशन मत रखिए, आप एक्सचेंज आराम से कर सकते हैं और पूरे इंडिया में कर सकते हैं। और कोई भी बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी इंसान, इंडियन करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि कुछ लोग अपने मार्केट में अफवाह उड़ा दिया गया कि 1 रुपया का जो क्वाइन है बंद हो गया,
और बहुत सारे बिजनेसमैन ने क्या किया ना कि 1 रुपये का जो क्वाइल था मार्केट में लेने से मना कर दिया। RBI ने उस पर एकदम स्ट्रांग स्टेप्स उठाया, एकदम सख्त कदम। इंडियन क्वाइन है, इंडियन करेंसी है और आपको वो लेना है। तो जो करेंसी आज के डेट फॉर्म में देखते हैं तो करेंसी है, और जो भी इंडियन करेंसी है थ्रू आउट द इंडिया वो मान्य है और उसके हेल्प से आप एक्सचेंज करते हैं। और इसको इशू करने का जो राइट्स है वो RBI के पास है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज होता है कि जब आपके पास करेंसी है तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंथली वेजेस पे काम करते हैं, कुछ तो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनको हर दिन 100 रुपया इनकम हुआ या 200 हुआ या 500 रुपया हुआ, 500 रुपया हुआ बेचारा मार्केट गया, जो भी जरूरत की चीज़ें है वो खरीदा, खाया पिया, फिर अगला दिन फिर इनकम हुआ, खाया पिया, फिर अगला दिन खाया। मतलब जो डेली वेजेस वाले हैं उनके पास उतना कोई खास टेंशन नहीं रहता है, लेकिन डेली वेजेस वाले हो अच्छा, या जो मंथली वेजेस वाले जिनको महीना में एक बार पेमेंट मिलता है, तो जिनको महीना में एक बार पेमेंट मिलता है तो सोचो कि महीना एंड हुआ और उसको पेमेंट मिला 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो एक बार उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, क्या उस पैसे को अपने घर पे रखेगा तो सेफ है? नहीं सेफ है ना। तो वो अपने पैसे को सेफ्टी के लिए फिर कहाँ रखे? तो उसके लिए एक होता है बैंक। तो फिर वो अपने पैसे को सेफ करने के लिए बैंक में जमा कर देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं जिनको मंथली वेजेस मिलता है, जो डेली वेजेस पर भी जो काम करते हैं। तो मान ले कि मेरा डेली वेजेस पर हम काम करते हैं और हर दिन हमको 500 रुपया मिलता है, लेकिन जो मेरी खर्च है पर डे वो 300 रुपये की है, मतलब पूरे फैमिली को जो खर्च आता है वो 300 का आता है ना। और अगर 300 की खर्च आती है तो फिर हम क्या करेंगे 200 रुपये का, तो 200 रुपये बचा करके हम बैंक में डाल देंगे। एक सेविंग अकाउंट होती है, सेविंग अकाउंट होता ही उसी लिए है। बैंक में एक हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे और जो भी पर डे हम सेव करेंगे उस बैंक में डाल देंगे, फिर अगला दिन कमाएंगे 300 रुपये खाएंगे, 200 रुपये सेव कर देंगे। इस तरह से अगर आप एक मंथ की बात कीजिएगा तो पूरे मंथ में आप करीब करीब 6,000 रुपये जमा कर दीजिएगा। तो बैंक में अगर आप पैसा को जमा करते हो, अगर मंथली वेजेस मिला तब तो शुरू में लेकर डाल दिए, फिर ज़रूरत के हिसाब से हम उसको पैसा निकालते रहते और खर्च करते रहते हैं। उसी तरीके से अगर आप सेविंग करते हो तो पैसा बैंक में डाल देते हो और फिर ज़रूरत के हिसाब से आप निकालते हो और उसको खर्च करते हो। और बैंक में पैसा डालने से बहुत सारा बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है? पहला तो आपका पैसा सिक्योर है, चोरी होने का कोई झमेला नहीं है। दूसरा है कि अगर वो बैंक में आपका पैसा है तो बैंक आपको बदले में इंटरेस्ट देगा, जिससे आपका जो पैसा है वो दिन पर दिन ग्रोथ करते रहेगा। तीसरा चीज़ ये है कि कभी कभी हमारे हाथ में जब पैसा रहता है ना तो खर्च होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। वही पैसा अगर बैंक में रहे तो शायद आपका उतना खर्च करने का दिल नहीं करेगा। तो बैंक में रखा हुआ पैसा आपके मुश्किल टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आता है। बहुत सारे घर में देखते होंगे, अगर आपके माँ बाप होंगे तो सुनते होंगे कि बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। अगर लड़की के माँ बाप हैं तो बहुत सारे हम लोग कॉमन सुनते हैं कि शादी ब्याह के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए जमा कर रहे हैं। मतलब पैसा वो सेव करके रखते हैं और उस सेविंग का यूज़ वो अपने बुरे वक्त में करते हैं। बुरे वक्त में करते हैं, बुरा वक्त नहीं आता है सबका, हो सकता है कि ज़रूरत के टाइम में वो करते हैं। या अभी जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोरोना, तभी लॉकडाउन हो गया, बिजनेस विजनेस फेल हो गया, तो अभी वो लोग ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है जो अपना सेविंग बैंक में करके रखा है। तो बैंक में से अभी निकालेगा, खर्च करेगा, निकालेगा, खर्च करेगा। जिन लोगों ने सेविंग नहीं की होगी उसकी तो हालत अभी पतली होगी, है ना। अब बैंक से आप जब अब पैसा निकालते कैसे हो, तो एक चेक आता है। चेक जानते हैं, एक मॉडर्न फॉर्म है जिसमें अगर हमको किसी को पैसा पेमेंट करना है तो कैश के बजाय हम चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। बस मान ले मेरे पास
पैसा बैंक अकाउंट में है और हम ऋषिकेश को देना चाहते हैं, तो हम चेक पे पेई का नाम लिख देंगे, ऋषिकेश कितना देना चाहते हैं वो लिख देंगे और साइन मार देंगे और उसको चेक दे देंगे। वो चेक ले जाएगा, बैंक में जमा कर देगा और इस तरीके से मेरे अकाउंट का पैसा जो है वो ऋषिकेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चेक भी जो है ना एक अकाउंट से पैसा को दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता है। कभी कभी ऋषिकेश को मन हुआ कि नहीं सर हमको अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कराना, हमको कैश निकालना, तो हम इसको चेक दे देंगे और ये जा करके कैश निकाल सकता है। अब तो चेक के बजाय अब एटीएम भी आ गया, एटीएम के थ्रू या अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन के थ्रू आप लोग अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद डीडी डिमांड ड्राफ्ट भी बीच में आया हुआ था, ये सब बैंक आपको सुविधा देता है। तो बैंक आज के डेट में पैसा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए पहले तो चेक था, डीडी था, डिमांड ड्राफ्ट है, फिर एटीएम कार्ड है और अब तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप ऑनलाइन बैंकिंग जिसको कहते हैं, मोबाइल बैंकिंग कहते हैं, ई बैंकिंग कहते हैं, उसके हेल्प से आप इफ़िशियंटली आप पैसे का लेन देन कर सकते हो। तो दैट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है ना। डिमांड ड्राफ्ट देखो, हम लोग जो डिमांड ड्राफ्ट देखोगे ना तो अभी तो खैर उतना इसका भी प्रचलन धीरे धीरे बंद हो रहा है। होता यह था ना कि किसी कॉलेज में अगर हमको एडमिशन लेना है, जैसे मान लीजिए हमको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो पटना यूनिवर्सिटी कैश में पैसा नहीं लेता था, वो कैश बोलता था कि हमको कैश नहीं चाहिए, आप मेरे नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट कटवा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि बैंक में जाते थे, एक फॉर्म आती है डिमांड ड्राफ्ट की, तो हम पटना यूनिवर्सिटी के नाम पे पैसा जमा कर देते हैं, मतलब वो पटना यूनिवर्सिटी के नाम पे जमा हो गया उस बैंक में और बदले में वो हमको क्या दे दिया, बैंक वाला एक डीडी दे दिया। अब हम वो गए पटना यूनिवर्सिटी और उसको कैश नहीं दिए, वो उसको डिमांड ड्राफ्ट दे दिए। जब हम उसको डिमांड ड्राफ्ट दिए तो वो उस यूनिवर्सिटी के लिए समझिए कि वो कैश ही हो गया, वो फिर अपना वहाँ से जो बैंक है वहाँ से डीडी के हेल्प से कैश निकल जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट ऐसा नहीं है कि डिमांड ड्राफ्ट जैसे चेक है ना, तो चेक आप सिर्फ वही काट सकता है जिसका बैंक में अकाउंट है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा नहीं है। जैसे मेरा कोई अकाउंट है नहीं है उससे मतलब नहीं है, हम मान लो कि 5000 का डिमांड ड्राफ्ट कटवाना अभी भी कटता है, तो 5000 SBI में गए जमा किए, SBI को दिए और कुछ को कमीशन लेगा और बदले में वो 5000 का हमको एक डिमांड ड्राफ्ट दे देगा, वो डिमांड ड्राफ्ट हम लेंगे और जाके कॉलेज को दे देंगे। और कभी कभी तो डिमांड ड्राफ्ट जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसा करते थे कि मान लो दिल्ली जाना है और मोटा अमाउंट को लेके नहीं जा सकते दिल्ली, बीच में चोरी वोरी हो सकता है, तो क्या करता ना खुद के नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट कटवा लेता, 5-6-10 लाख रुपया यहाँ जमा कर दिया और वहाँ जाके अपना उसको कैश में कन्वर्ट करवा लिया। तो डिमांड ड्राफ्ट उस तरीके से होता है, ठीक है। चेक होता है, ATM सब जानते करते हो और मॉडर्न फॉर्म जो होता है ई बैंकिंग वो जानते हो। अब आगे सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे लोन्स एक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका लोन एक्टिविटी होगा।